हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे और मंडे को जो बाजार रह सकता है वो चर्चा करेंगे। देखिएगा, अभी सबके बीच में ना HDFC बैंक का रिजल्ट आना है, और HDFC बैंक का रिजल्ट ना पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक रोड मैप तैयार करने वाला है। तो यहाँ पर HDFC बैंक से जो कुछ उम्मीदें हैं उस पर शायद हम एक वीडियो अलग से चर्चा कर लें आपके साथ, बट कुल मिलाकर जो HDFC बैंक का रिजल्ट है वो इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए, अगर निफ्टी बैंक ने ना वीकनेस नहीं दी, बेशक साइज 42 पॉइंट जो है कमज़ोर रहा, लेकिन एक ग्रीन कैंडल बनाई और एक नीचे से एक अच्छा सपोर्ट लिया और अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ा भी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद जो है अब निफ्टी बैंक पर ही सबकी नज़र रहने वाली है। अगर निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं उनमें अगर एक वीकनेस बनती है तो फिर उसका असर देखिएगा बाकी जो फाइनेंशियल्स कंपनीज है वहाँ पर भी पड़ेगा, और कुछ इनकम टैक्स के नोटिस जो हैं इंश्योरेंस कंपनीज को भी दिए जा रहे हैं, जहाँ पर भी 2017 के बाद के कुछ टैक्स ड्यूज जो है निकाले गए हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। तो कुल मिला के फिर वो सब चीज़ें असर करने लगती हैं। जब बाज़ार में अगर एक बार बेयर्स जो है बाज़ार को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो वो सब चीज़ें फिर उजागर होने लगती हैं जिन पर अभी तक पर्दा डाला हुआ था। तो ये चीज़ जो है आपने देखनी है। तो निफ्टी के ऊपर देखिएगा, मेरा कमज़ोरी का तो व्यू नहीं है, बट एक कॉशियस व्यू ज़रूर है यहाँ पे। और वो कॉशियस व्यू इसीलिए है कि भाई अगर वो निफ्टी बैंक में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, जहाँ पर टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा वीक हो गया है, तो वो निफ्टी के अंदर भी जो है आपको दिखता हुआ नजर आएगा। टाटा मोटर्स में एक अच्छी तेजी थी, नेस्ले, सिलटेक और टीसीएस जैसे शेयर्स जो है ठीक थे, और इंडसइंड बैंक भी जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। बाकी जगह आज बैंकों में वीकनेस थी, और देखिएगा एक्सिस बैंक के अंदर एक कमजोरी है। क्या मुझे याद है कल का ही भाव था शायद 1035-38 रुपये के आसपास चल रहा था, और आज 994 पे। और दूसरा जो वीकनेस थी वो SBI में, तीसरी HDFC बैंक में। तीनों भैया क्या है, दिग्गज हैं बैंक निफ्टी के, और निफ्टी बैंक के तीन दिग्गज माइनस में हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक ने यहाँ पे जो है अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, इसलिए बस वो बच गए हैं। और इसके अलावा आज बंधन बैंक में भी एक अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली थी, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि बराबरी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ मामला अब थोड़ा सा जैसे जैसे रिजल्ट आएगा थोड़ा सा, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल पर है स्मॉल कैप और मिड कैप, पर वहाँ रिजल्ट नहीं आया ना, मुझे लगता है बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे बढ़िया वाली। और निफ्टी के अंदर हालांकि अभी तो स्ट्रेंथ है काफ़ी निफ्टी में, लेकिन फाइनेंशियल्स में वीकनेस आ सकती है। टाटा मोटर, एसिल टेक, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये सब तेजी के सितारे थे। और कमजोरी आज आपको जहां पर देखने के लिए मिली वो थी एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइज, इन्फोसिस, SBI, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज, LTIMindtree, बजाज ऑटो और बैंकिंग दिग्गज HDFC बैंक, JSW स्टील एटसेट्रा। निफ्टी बैंक ज़्यादा कमजोरी नहीं है, 311 पॉइंट की कमजोरी है, पर कल तो सभी लोग तेजी में थे। और ये देखिए, ये जो फॉल है ऊपर से जो फॉल आया है 2:30 बजे के बाद, उसने मतलब दहला दिया, क्योंकि जितने सब लोगों ने जो तेजी करी थी और अपने स्टॉप लॉस काटे और उसके बाद जो बाजार गिरा है, और कैंडल भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो बहुत ही मतलब ये बताती है कि जितनी तेजी वाली पोजीशन थी वो सारी खाली होकर बाजार लास्ट में एक छोटी सी रेड कैंडल बना रहा है, और वो भी लोअर साइड में। जब ऐसी कैंडल्स बनती हैं तो उनके जो परिणाम है वो थोड़े से निराशावादी रहते हैं। तो निफ्टी बैंक में तो एक निराशावादी परिणाम देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, और ऐसी कैंडल्स आप अगर किसी बड़ी तेजी के बाद देखते हैं या टॉप के आसपास देखते हैं तो थोड़ा सा जो है कमजोरी के संकेत ही अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा फॉल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो बाजार को 43,700 तक भी ले जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ जो है HDFC बैंक के ऊपर नज़र आपको दौड़ानी पड़ेगी। इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी आज HDFC बैंक में, SBI में, एक्सिस बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ICICI बैंक में। इंडसइंड बैंक आज तेजी में था, फेडरल बैंक, और आज गिरावट जो आपको देखने के लिए मिल रही थी वो मेजरली बैंकों में थी। और बंधन बैंक आज 4.82% टूटता हुआ नजर आया, और इसके साथ साथ एक्सिस बैंक में भी 2.4% की कमजोरी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.9 और SBI 1.68, HDFC 1%।
और डेटा हम FIs के, आपकी बात करें आज FIs के डेटा जो है ठीक थे, प्लस में कैश मार्केट थी। DIs ने आज बाइंग नहीं की, तो देखो DIs जैसे ही अपनी बाइंग रोक रहा है HNI की तरफ से, तो वास्तव में बाजार अपने बोझ से गिर रहा है, स्पेशली जो बैंक निफ्टी स्टॉक्स हैं आज स्मॉल कैप मिड कैप में भी कमजोरी की ओर। और इसके साथ साथ FIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स तो बेचे हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में बिल्कुल मामूली सी बिकवाली की है। इसके अलावा ऑप्शंस में भी अगर हम देखें तो ऑप्शंस आज फिर बेची है, तो जनरली ऑप्शंस बेचने के समय पर ज़्यादा बड़ा मूव आता नहीं है, तो फिर भी जो लास्ट में सेल ऑफ हुआ वो थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब तो कर ही रहा है बुल्स को। और अगर हम पुट कॉल रेशियो देखें तो वो न्यूट्रल है निफ्टी की, बैंक निफ्टी में तो पुट राइटर आज गायब थे भैया, लास्ट में गायब हो गए। जब बाजार टूटा ना भाई, पुट राइटर ने कहा भाई अपनी पोजीशन हटाओ जल्दी से, तो ज़्यादातर जो पुट थी वो अनवाइंड हुई, और फिर इसीलिए पुट के प्रीमियम भी बढ़ते हुए नजर आए। यानी कि पुट राइटर को लगा कि भाई अगर सोमवार को गैप डाउन हो गया तो फंस जाएंगे पिछले हफ्ते की तरह, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे अनवाइंडिंग भी देखने के लिए मिली। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,652, यहाँ पे तो देखिए पॉजिटिव संकेत है, अभी तो 70-80 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और ब्रांड कोड 89, अरे ये सरप्राइज करेगा नेगेटिवली हमारे लिए। उसके बाद आज ऑप्शन चेन में निफ्टी में तो देखिएगा कुछ ज़्यादा खास है नहीं, पुट राइटर थे 19,700 के आसपास, जहाँ पे 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, वहीं पर 19,800 के आसपास 1,25,000 और 19,000 पे 1,07,000, 20,000 पे 1,04,000। कॉल राइटर कहीं एग्रेसिव नहीं है, यानी कि यहाँ तो तेजी करने वाले पुट राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है। तो यहाँ पे तो देखिए, तो मैंने आपको कहा भी ना कि मैं निफ्टी में मुझे वीकनेस नहीं है, बट अगर वो बैंक निफ्टी कंटिन्यू करेगा फिर क्या करोगे आप। अब निफ्टी बैंक में तो भैया ये देखो 44,500, 600, 700, यहाँ पे सब जगह कॉल राइटिंग है और ऊपर इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, जबकि 44,300 के ऊपर 90,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 78,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, लेकिन पुट राइटर 44,200 पे तो राइटिंग हुई है। उसके बाद इवन 44,000 के अंदर राइटिंग नहीं हुई, जो कि एक एब्सोल्यूट नंबर है, तो ये बड़ा सरप्राइज कर रहा है कि जहाँ 44,000 का एक एब्सोल्यूट नंबर है वहाँ पर तो कम से कम कुछ राइटिंग होनी चाहिए थी। तो ये बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन चेन के डेटा हैं वो कमज़ोर हैं, और जो निफ्टी के डेटा हैं वो न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो आपके साथ चर्चा की वो हम डिटेल में पूरे वीक का जो हम एनालिसिस है वो करेंगे अब इस बार संडे के दिन, और कोशिश ये करेंगे संडे को इसलिए कि HDFC बैंक के रिजल्ट आने के बाद हम थोड़ा सा अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे बाजार को। तो आप जो है सैटरडे में वेट ना करें इस बार मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक का, वो हम संडे को HDFC बैंक के रिजल्ट आने के बाद ही करेंगे, क्योंकि 15 तारीख को जो है डेट है, तो 15 तारीख को 2-3 बजे तक उनके रिजल्ट आएंगे, फिर उसका एक रिजल्ट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, फिर उसका एक इम्पैक्ट वीडियो ऑन द स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक, वो तभी हम आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और बाकी सब चीज़ें जो है समय के ऊपर निर्भर करती हैं। तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उस तरीके से हम चर्चा करने की पूरी कोशिश जो है आपके साथ करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।